हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पांचवा लेक्चर। तो चलिए भैया, आप बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट एंड प्रोसेसेस होते हैं, जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाता है। एनिमल्स के केस में भी बोला जाता है, प्लांट के केस में भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ही बोला जाता है। चलिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जनरली स्टार्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स में। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होगा प्लांट्स में, और वो भी ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एंजियोस्पर्म्स वालों के लिए है, PRMS स्पर्म्स वालों के लिए है, RMS। ठीक, तो जनरली ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल होगा। तो जनरली इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। पहला बात करूंगा तो हमारा एंडोस्पर्म की क्या होगी, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी। दूसरा हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, EMBRYO एम्ब्रायो FORMATION एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ इसी में, तो जो हमारा ओव्यूल्स हैं, क्या है ओव्यूल, OVULES ओव्यूल्स, किसमें, सीड्स में चेंज हो जाएंगे। और चौथा प्रोसेस जो हमारा ओवरी है, OVERY ओवरी है, वो हमारा फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रोसेस अपन को समझना है इत्थे, मतलब एंडोस्पर्म समझना है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रायो फॉर्मेशन समझना है, ओव्यूल सीड में किस तरह से चेंज होता है, ओवरी फ्रूट्स में किस तरह से चेंज होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस का हमें चार यूनिट्स यहाँ चेंज, मतलब चार टॉपिक्स कवर करना है, और ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट। तो इस लेक्चर में, फिफ्थ लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम कवर करेंगे अपना एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ओव्यूल्स और ओवरी नेक्स्ट वाले लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे, और उसी में कवर हो जाएगा अपना पूरा का पूरा चैप्टर भी। चलिए भैया, एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो जनरली अगर मैं एंडोस्पर्म से डेवलपमेंट से पहले एक और बात समझ लेते हैं, ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस के बाद तो फ्लावर्स में कई चेंजेस आते हैं। जब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब एंडोस्पर्म एम्ब्रायो फॉर्मेशन ओवरी सीड्स में चेंज हो जाएगी, सॉरी ओव्यूल सीड्स में चेंज हो जाएगा, ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद फ्लावर्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि फ्लावर्स के जो सेपल्स होते हैं, SEPALES सेपल्स जो रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। जो हमारे उसके एंटीपोडल्स होते हैं, जो हमने एम्ब्रायो सेक में तीन ऊपर में क्या बात किया था, तीन ऊपर में सेल्स और प्रेजेंट रहते हैं जिसे एंटीपोडल्स बोलते हैं, तो ये भी डिजेनरेट कर जाएगा। दो नीचे में जो सिनर्जिस्ट प्रेजेंट रहते हैं, ये भी डिजेनरेट कर जाएंगे, मतलब ये पूरा डिजेनरेट कर जाएगा, सिनर्जिस्ट भी हमारा डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट और क्या क्या चेंज आएगा, जो हमारे एंथर फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, मतलब जो हमारा स्टैमन प्रेजेंट रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, तो क्या हो जाएगा, वो भी फॉल अप हो जाएगा। इसके बाद स्टाइल और स्टिग्मा भी गिर जाएगा, और इसके बाद जो हमारा फ्लावर के पेटल्स रहेंगे वो भी सेड ऑफ हो जाएंगे। तो सारे सारे ये फ्लावर्स में चेंजेस आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक, ये सारे प्रोसेस समझ आ गए, आप समझते हैं अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक आते हैं हमारा एंडोस्पर्म। तो जनरली एंडोस्पर्म सेंट्रल सेल से, CENTRAL सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। किससे, सेंट्रल सेल से हमारा एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो जो हमारे सेंट्रल सेल एम्ब्रायो सेक में जो हमारे सेंट्रल सेल्स रहेंगे, अब सेंट्रल सेल क्या है, एम्ब्रायो सेक का ये हो गया, एम्ब्रायो सेक पूरा का पूरा। अब इसके बीच में जो बाहर में सेल आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा, तो ये पूरा एंटीपोडल्स आ जाएंगे, ये एक सेल सिनर्जी सी पोलर न्यूक्लियर। अब इसके बाद जो इधर बचे वो जाएंगे सेंट्रल सेल, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, और यही सेंट्रल सेल हमारा एंडोस्पर्म में चेंज होगा। ठीक, एंडोस्पर्म जनरली हाईली न्यूट्रिएटिव वैल्यू रहती है, अब इसका यूज भी हम क्या होता है वो आगे जाके समझेंगे। ठीक, तो ये समझ आ गया, सेंट्रल सेल हमारा किस में चेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म में फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जो एंडोस्पर्म की अगर फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये जनरली तीन स्टेप्स में हो सकता है, तीन मेथड्स होते हैं इसके,
तीन METHOD मेथड हैं इसके, किसके डेवलपमेंट के, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके जनरली तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है, सेलुलर, सॉरी पहला मेथड बात करता हूँ तो छोटे से बात करते हैं, NUCLEAR न्यूक्लियर डेवलपमेंट, ठीक, न्यूक्लियर मेथड टाइप हो जाएगा या फिर टाइप बोल देते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा टाइप। दूसरा आ जाएगा सेलुलर टाइप, तीसरा आ जाएगा हमारा होलीबल टाइप, HELOBIAL, शायद स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, लेट मी चेक, OBIAL सही है, होलीबल टाइप, ठीक। ये हो गया न्यूक्लियर टाइप, दूसरा आ जाएगा सेलुलर टाइप, तीसरा आ जाएगा हमारा होलीबल टाइप। तो इन्हीं तीनों टाइप्स में ही हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। अब ये समझ लेते हैं, एक-एक स्टेप को समझते हैं, जो हमारा न्यूक्लियर टाइप होगा उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होगा। जनरली न्यूक्लियर टाइप में हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर जो रहता है, PEN जिसे बोलते हैं, प्राइमरी जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, उसका बार बार क्या होता है, माइटोटिक, MITOTIC माइटोटिक, या फिर माइटोसिस बोल सकते हैं, माइटोटिक बोलो माइटोसिस बोलो, दोनों एक ही प्रोसेस है। माइटोसिस प्रोसेस जनरली कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, MITOSIS माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक। ये क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और ये प्राइमरो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हमारा चेंज हो जाएगा फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का बार बार माइटोसिस डिवीजन होगा और वो फर्दर हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा। टॉपिक क्लियर है, चलिए भैया। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर टाइप में डेवलपमेंट जनरली इसी टाइप का होता है। अब बात करते हैं सेलुलर टाइप का, सेलुलर टाइप की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म है, अब इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो सेलुलर टाइप में होगी। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, FORMATION सेल वॉल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन होने के कारण जो हमारा फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाने लगे। अब क्या कहलाने लगे, CELLULAR सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाने लगेगा, ठीक। जनरली समझ आया प्रोसेस, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियर टाइप में क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन होने के कारण ये फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ इसके बाहर में क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरे पास एंडोस्पर्म है, अब इसके बाहर में एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल वॉल बोल सकते हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन होने के कारण ये सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसको समझने के लिए, इन दोनों प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं आप उसको, कोकोनट्स, ठीक। अगर मैं कोकोनट की बात करूं तो उसमें दो चीजें प्रेजेंट रहती हैं, पहला तो एक वाटर प्रेजेंट रहता है, मैं कच्चे कोकोनट की बात कर रहा हूं ना, ठीक, सूखा हुआ कोकोनट नहीं, ठीक। कोकोनट में दो चीज प्रेजेंट रहता है, एक होता है वाटर और दूसरा उसमें एक लेयर रहता है व्हाइट कलर की, WHITE व्हाइट कलर की एक लेयर रहती है जिसको लोग खाते हैं, जिसे CER क्या ऐसे कुछ बोला जाता है, NEL किरनिल बोला जाता है, क्या, व्हाइट किरनिल बोला जाता है, ठीक। तो एक उसमें कोकोनट की अगर बात करूंगा तो उसमें दो चीज प्रेजेंट रहता है, एक होता है हमारा वाटर और दूसरा होता है व्हाइट किरनिल। व्हाइट किरनिल में जो हमारा यहाँ वाटर आ जाएगा वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो जाएगा वाटर। तो मतलब उसमें न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट होता है वाटर में, ठीक। तो ये वाटर किस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो जाएगा। और जो व्हाइट किरनिल होता है, वो व्हाइट किरनिल किसका एग्जांपल हो जाएगा, सेलुलर टाइप, सेलुलर एंडोस्पर्म का टाइप हो जाएगा, मतलब एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। तो कोकोनट जनरली दोनों टाइप के प्रोसेस को शो करता है। अब भैया आता है तीसरा टाइप जो हमारा हिल्युबल टाइप है। हिल्युबल टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो जिसमें हमारा दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, मतलब न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट और सेलुलर टाइप डेवलपमेंट एक साथ होगा, उसे हिल्युबल टाइप क्या बोला जाएगा, हिल्युबल टाइप मेथड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक। होपफुली आपका पूरा कवर है, पूरा समझ आ गया।
चलिए भैया मिटाने वाला हूं, 1 2 3 चलो हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला जो आता है हमारा एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म को आपको समझ के रखना है क्योंकि एंडोस्पर्म, अब यही एंडोस्पर्म का यूज करके नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन है उसको समझने वाले हैं। ठीक, तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे रब करते करते करते। क्या एम्ब्रायो फॉर्मेशन कब फॉर्मेशन होता है? जब जाइगोट से ही हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस हमारा जाइगोट फॉर्मेशन भी है और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है। चलिए भैया नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन, नेक्स्ट प्रोसेस एम्ब्रायो फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्रोसेस? नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एम्ब्रायो डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रायो फॉर्मेशन। डेवलपमेंट बोलते हैं DVELOPM। ठीक, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो फॉर्मेशन या फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो जनरली एम्ब्रायो फॉर्मेशन या फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जाइगोट से ही हमारा क्या फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो, किसे? ZYGOT, जाइगोट से हमारा क्या फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब जाइगोट कहां से आया था? फिर से पुराने लेक्चर को रिवाइज कर दे रहा हूं सिर्फ 2 सेकंड के लिए, कि जब हमारा पहला मेल गैमेट एक सेल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा जाइगोट बनता है। जी भैया समझ आ गया जाइगोट कहां से आया था? जाइगोट आया था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के वक्त, जाइगोट, एक जाइगोट मिला था। ठीक, दूसरा PEN प्राइमरो एंडोसोर्बिंग न्यूक्लियस मिला था, तो हम उसकी बात कर चुके हैं। अब जाता है जाइगोट, तो जाइगोट हमारा किसमें? एम्ब्रायो फॉर्मेशन करेगा। ठीक, जाइगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रायो में। ठीक, अब ये एम्ब्रायो में कैसे चेंज होगा? यहाँ बार बार इसका क्या होगा? माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक, यहाँ बार बार जाइगोट का क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण वो एम्ब्रायो फॉर्मेशन कर लेगा। भैया माइटोसिस डिवीजन करने के लिए क्या कुछ भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है? हाँ भैया जरूरत पड़ती है। तो यहाँ एनर्जी माइटोसिस डिवीजन के लिए एनर्जी मतलब डेल प्रोवाइड करने वाला है हमारा एंडो स्पर्म। तो एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। ठीक समझ आ गया, जो जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन से हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रायो जो माइटोसिस डिवीजन होगा उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? एंडोस्पर्म। अब जब तक हमारा कुछ थोड़ा बहुत भी अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हुई होगी तब तक ये प्रोसेस हमारा नहीं होगा, मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होगा। एम्ब्रायो फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले हमारा कुछ भी थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होना जरूरी है, किसी भी टाइप से, सेलुलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप या होलीबल टाइप, जो भी टाइप है, किसी भी टाइप से। ठीक, तो ये क्या जाइगोट हमारा एम्ब्रायो में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब जो हमारा जाइगोट एम्ब्रायो में जो फॉर्मेशन होता है, तो ये जो एम्ब्रायो बनता है वो हमारा प्रो एम्ब्रायो बनता है। कौन सा एम्ब्रायो बनता है? प्रो EMBRYO एम्ब्रायो बनता है। कौन सा? प्रो एम्ब्रायो बनता है। जनरली ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रायो नहीं होता, इसलिए प्रो एम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक, अब ये प्रो एम्ब्रायो का क्या होगा? फर्दर फिर से इसका डिवीजन होगा और ये हमारा फर्दर डेवलप हो जाएगा एक वेल शेप, बोल सकते हैं एक गोलिबल टाइप में, GOLUBLE गोलिबल टाइप या फिर गोलिबल शेप में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, और बोल सकते हैं एक टाइप का हार्ट शेप में, हार्ट शेप जनरली, हार्ट शेप पूरा इंसान टाइप का हार्ट नहीं रहता है, ये कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक, तो इसे हार्ट शेप नाम दे दिया गया है, वैसे हार्ट टाइप का रहता नहीं है। तो जो हमारा प्रो एम्ब्रायो हो फर्दर हार्ट शेप में डेवलपमेंट हो जाएगा, हार्ट शेप जनरली, फिर फर्दर हमारा हॉर्स, HORSE हॉर्स शू शेप में डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, हॉर्स शू शेप मतलब कुछ इस तरह का सीड हमारा दिखता है, या फिर बोल सकते हैं इस तरह से कुछ सीड दिखता है, तो ये शू टाइप का कुछ शेप दिख रहा है, तो जनरली इसे हॉर्स शू शेप बोला जाता है। ठीक, तो ये इस टाइप से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रायो था, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ था, एम्ब्रायो फॉर्मेशन कौन सा होगा? प्रो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। प्रो एम्ब्रायो फिर फर्दर हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? एक थोड़ा सा डेवलप होगा प्रो एम्ब्रायो, और वो एम्ब्रायो एक कौन से शेप में रहेगा? हमारा हार्ड शेप में रहेगा। हार्ड शेप वाला एम्ब्रायो फर्दर और मैच्योर होगा, और यही फाइनल मैच्योरेशन है,
हॉर्स शू शेप वाला फाइनल मैच्योरेशन है, और ये मैच्योरेशन होने के कारण हमारे पास क्या मिल जाता है, एक ठोक एम्ब्रायो, पूरा का पूरा फुल्ली डेवलप एम्ब्रायो मिल जाता है, जिसमें कॉटिलीडन रहता है। किसमें रहता है, इसमें दो कॉटिलीडन, COTYLEDON, दो कॉटिलीडन हो रहता है। कॉटिलीडन मतलब बोल सकते हैं दो टाइप के सीड्स बोल सकते हैं, कॉटिलीडन बोले हम बोल सकते हैं दो टाइप के सीड्स, या फिर दो टाइप के उसके अंदर जो बोल सकते हैं फ्रूट टाइप ही एक टाइप का बोल सकते हैं, ठीक। तो कॉटिलीडन दो टाइप के हो सकते हैं। अगर कॉटिलीडन की जनरली मैं बात करता हूं तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं, कॉटिलीडन टू टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक। एक तो हो जाएगा मोनोकॉट, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, खाते भी हैं, डायकॉट उसे भी खाते हैं। दो टाइप के कॉटिलीडन हो सकते हैं, एक मोनोकॉट हो सकता है कॉटिलीडन, दूसरा हो सकता है डायकॉट कॉटिलीडन, ठीक। तो मोनोकॉट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, मोनोकॉट, मोनोकॉटिलीडन, COTYLEDON, मोनोकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडन की अगर बात करेंगे तो जितने भी ग्रास प्लांट्स होते हैं, अब ये ग्रास प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट ग्रास प्लांट जनरली वो प्लांट होते हैं जो कि ग्रास की तरह दिखते हैं, जैसे कि आपके राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, तो जनरली ये सारे के सारे कौन से प्लांट्स होते हैं, ग्रास प्लांट होते हैं, ठीक। अब वो सारे जो प्लांट्स रहते हैं वो उसमें जो फ्रू मतलब उसमें जो सीड्स की फॉर्मेशन होती है वो मोनोकॉटिलीडन सीड्स रहती है, कितने जो सीड्स रहती है वो मोनोकॉटिलीडन। अब भैया मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन को समझाने के लिए सिंपल मैं क्या बना देता हूँ, एक ठोक डायग्राम। भैया राइस आपने ऐसी देखा है, और पी, पी की अगर मैं बात करूंगा तो पी में क्या रहता है, दो ठोक कॉटिलीडन रहता है। अगर आप पी को, एक पी को निकालोगे तो उसको बीच से कट करोगे, बीच से थोड़ा सा खोलोगे भी तो वो दो पार्ट्स में ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये मोनोकॉट का एग्जांपल हो जाएगा राइस, और ये जो पी हो जाएगा डाइकॉट का। तो मोनोकॉट में सिंपल एक हमें किस टाइप का, हॉर्स शू शेप टाइप का एक कॉटिलीडन मिल जाता है मोनोकॉट। अब ये इसमें जो दो पार्ट्स आ जाता है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसे क्या बोला जाता है, पिम्यूल, PUMULE, पिम्यूल, सॉरी PLUMULE, पिम्यूल होगा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी। दो जो ऊपर में क्या रहेगा, पिम्यूल, बाद में वही हमारा सूट, SHOTE सूट की फॉर्मेशन करेगा, SHOOT सूट की फॉर्मेशन करेगा, सूट जनरली जो हमारा प्लांट है उसकी फॉर्मेशन करेगा। नीचे में हमारा रेडिकल, रेडिकल प्रेजेंट रहेगा जो हमारा बाद में क्या फॉर्मेशन करेगा, रूट, ठीक। ऊपर वाला सूट, नीचे वाला रूट, तो ये हो जाएगा मोनोकॉट की बात। अगर मैं यही एक और सेकंड जो हमारा टाइप आ जाएगा डायकॉट, डायकॉटिलीडन, LEDON, डायकॉटिलीडन की बात करता हूँ। तो डायकॉटिलीडन में दो कॉर्ड्स होते हैं, एक एक अगर टिपिकल स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो आपको एग्जाम में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये इस तरह से कुछ डायकॉट का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक। अब यहाँ पास से क्या आता है, एक पिम्यूल आता है, सिंपल में पिम्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, और एक एक्सियल में एक और पार्ट रहेगा जो हमारा पी गया, ठीक। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, हो गया, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, चलिए भैया इसी में हो गया काम, चला लेते हैं। अब ये एक डायकॉटिलीडन की अगर मैं बात करता हूँ, तो डायकॉटिलीडन में जो अबव द एक्सिस प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोला जाता है, पिम्यूल बोला जाता है, PLUMULE, पिम्यूल बोला जाता है। जो बिलो द एक्सिस बोला प्रेजेंट रहता है जिसे क्या बोला जाता है, रेडिकल बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ एक और है कि एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ जो पिम्यूल रहता है वो क्या होता है, एपिकोटाइल रहता है, क्या होता है, एपी, EPYCOTYLE, एपिकोटाइल, EPIE, एपिकोटाइल, उसे जनरली ये क्या रहता है, जो ऊपर में प्रेजेंट रहता है वो एपिकोटाइल होता है। फर्दर यही एपिकोटाइल हमारा किस में चेंज हो जाता है, पिम्यूल्स में चेंज हो जाता है, और पिम्यूल फर्दर जैसे हम उसे सॉल्व करते हैं यानी बोते हैं तो हमारा सूट्स में चेंज हो जाता है, ठीक। और नीचे में जो रहता है उसे हाइपर, हाइपो, COTYLE, हाइपोकोटाइल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल बोला जाता है, जो कि फर्दर हमारा रूट रेडिकल्स में चेंज हो जाता है, और रेडिकल हमारा रूट्स में चेंज हो जाएगा, ROOTS, ठीक, हो गया पूरा का पूरा समझ आ गया। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जाइगोट था,
ठीक, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो उसमें किस में चेंज होगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुई। एम्ब्रायो फॉर्मेशन होने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, जो हमें क्योंकि यहां बार बार माइटोसिस डिवीजन कर रहा था, तो कुछ एनर्जी की जरूरत थी जो हमारा एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि एंडोस्पर्म इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके पास वेल न्यूट्रिएंट रहते हैं, और जब तक कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म हमारा फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा तब तक हमारा जाइगोट एम्ब्रायो में फॉर्मेशन मतलब कन्वर्ट होना चालू ही नहीं होगा। ठीक, जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये हमारा एंडोस्पर्म की एनर्जी प्रोवाइड करेगा माइटोसिस डिवीजन के लिए, और ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रायो फॉर्मेशन जनरली जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है वो प्रो एम्ब्रायो रहता है, प्रो एम्ब्रायो का फर्दर और डेवलपमेंट होता है और वो ग्लोबुलर शेप यानी ग्लोबुलर शेप में चेंज हो जाता है, या फिर जिसे हार्ट शेप में बोल सकते हैं, हार्ट यानी दिल शेप में रहता है, एम्ब्रायो दिल शेप में रहता है, हार्ट शेप में, और जो फर्दर हमारा फुल मैच्योर में हॉर्स शू शेप में कन्वर्ट हो जाता है। हॉर्स शू शेप में ये कॉटिलीडन कहलाता है। जनरली कॉटिलीडन की अगर मैं बात करता हूँ तो दो टाइप के कॉटिलीडन हो सकते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के कॉटिलीडन हो सकते हैं, एक हो जाएगा मोनोकॉटिलीडन, दूसरा हो जाएगा डाइकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडन की अगर मैं बात करता हूँ तो मोनोकॉटिलीडन में यह हो जाएगा मोनोकॉटिलीडन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर जो अबव द एक्सिस प्रेजेंट रहेगा वो पिम्यूल रहेगा जो कि फर्दर शूट में चेंज हो जाता है, और नीचे अगर बात करेंगे तो रेडिकल जो हमारा रूट्स में चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ एपिकोटाइल और जो हाइपोकोटाइल है वो नहीं प्रेजेंट रहता है। अब जो डाइकोटाइलिडन रहता है उसमें दो चीज प्रेजेंट रहती है, जो अबव द एक्सिस रहता है उसे एपिकोटाइल बोला जाता है, जो बिलो द एक्सिस रहता है उसे हाइपोकोटाइल बोला जाता है। ठीक, तो जो एपिकोटाइल रहता है वही हमारा बाद में पिम्यूल्स में चेंज हो जाता है, और पिम्यूल्स हमारा सूट्स में चेंज होता है, और अगर जो हाइपोकोटाइल रहता है वो रेडिकल्स में चेंज हो जाता है, और रेडिकल फादर रूट्स में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया एम्ब्रायो फॉर्मेशन, और ये टॉपिक यहीं खत्म होता हुआ। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, और आपका आंसर उसका आंसर आपको देना है #ANSA और बाय योर नेम। तो चलिए भैया क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राइट द फेट ऑफ एक सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल किसमें चेंज हो जाता है, और जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है वो किसमें चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये आपको बताना है कमेंट में #ANSS अपना आंसर लिखना है, और बायो नेम लिखना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी योर नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक एंड डिसलाइक और लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।